न्यूक्लियर फोर्सेस का मतलब ये वो फोर्सेस हैं जिन्होंने न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा हुआ है। एक होगी बाइंडिंग एनर्जी, वो एनर्जी जिसने न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा है बाइंडिंग एनर्जी, और वो फोर्स जिसने न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा है न्यूक्लियर फोर्स। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है। न्यूक्लियर फोर्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखती है। सबसे कमाल की बात, ये फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लग सकती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी लग सकती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लग सकती है। यानी कि इनका नेचर ऑफ चार्ज से कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह। क्लियर है? तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही नहीं होता पर फिर भी लगती हैं। इसका मतलब ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, बहुत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर की यही है। बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, न्यूक्लियस होता ही बहुत छोटा है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर लगती हैं, तो ये बहुत छोटे डिस्टेंस पे लगती हैं। वेरिएशन को मार्क कर लें, न्यूक्लियर फोर्स का डिस्टेंस के साथ ये वेरिएशन है, ये वेरिएशन है, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करती। हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस आर फोर्स डिक्रीज होगी, नहीं ऐसा नहीं है। ये अजीब वेरिएशन है, जैसे अगर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स बिकम लेस देन 0.5 फर्मी, काफी कम हो गया, तो न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव की बजाय क्या हो जाती हैं? रिपल्सिव हो जाती हैं। अजीब नेचर है इनका, तो ऐसा मालूम नहीं क्यों। ठीक, तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है।